तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल की एक और नई वीडियो में। और आज दोस्तों आपको जैसे पता चल गया होगा जो आपके सामने वीडियो आ रही है उससे कि हम आपको आज बताने वाले हैं कि अपना जो माइक जो होता है एयरप्रो परफ्यूम उसको आप कैसे रिफिल कर सकते हैं, क्योंकि इसके साथ आपको रिफिल की बोतल दी गई होती है और ये लगभग 15-20 दिन के बाद आपको रिफिल करना पड़ता है। वरना जो इसकी परफ्यूम है या फिर जो इसकी आप फ्रेग्रेंस कह सकते हैं वो डल पड़ जाती है। तो इसके लिए अगर आप ये ख़रीदना चाहते हैं तो लगभग इसकी कॉस्टिंग आपको पड़ जाती है 400 से और 500 के बीच में पड़ जाती है, इतने का लग जाता है ये। और अब चलो दोस्तों शुरू करते हैं कि इसका जो रिफिल प्रोसेस कैसा है। कि आपको इस परफ्यूम के अंदर जो है बीच में एक जॉइंट मिलता है जिसमें आप कोई भी, जैसे आपकी जो हाथ की उंगली है उसका नाखून डालेंगे तो उससे ये खुल जाएगा। आपको उसमें प्रेस करना है अंदर डाल के, जिससे कि ये बाहर आ जाएगा, दो पार्टों में डिवाइड हो जाएगा, एक आपका माइक के अंदर लगा रह जाएगा और एक बाहर आ जाएगा। इसके बाद आपको जो इसका अंदर का डब्बा है, जैसे जो फोम का डब्बा होता है, वो आपको बाहर निकाल लेना है। और बाहर निकालने के बाद इसमें जो है इस फ्रेग्रेंस के साथ आपको एक बोतल मिलती है लिक्विड की, जिसके अंदर आपका परफ्यूम होता है। तो ये आप खोलेंगे इस बोतल को, और इसको खोलने के बाद जो है इसका लिक्विड है जो आपके परफ्यूम के आपने जो फोम निकाला है उसकी साइड बाहर की साइड जो आपको एक बिल्कुल राउंड शेप में आपको मिलेगा, उसमें आपको लिक्विड डालना होगा। और इसमें आप जैसे ही लिक्विड डालेंगे तो आपका जो फ्रेग्रेंस है वो दोबारा से जैसा आपने खरीदा था नए वाला वैसा ही हो जाएगा, और आपकी जो फ्रेग्रेंस की जो पावर है काफ़ी बढ़ जाएगी। तो इसके लिए अब दोस्तों आपको दोबारा इसको सेट करना होगा वापस जैसे पहले था, तो इसलिए आपको अंदर वाले जो फोम था उसको सेट कर देना है और जो बाहर वाला माइक है उसको वहीं आपको डाल के दोनों साइड से प्रेस कर देना है। जैसे मैंने हाथ से यहाँ पकड़ के इसको अंदर की साइड किया है, तो आप जैसे इसको प्रेस करेंगे तो प्रेस करने के बाद जो आपका ये जैसे पहले था वैसे ही आपका लॉक हो जाएगा। इसके अंदर आपको इंटरलॉक मिलते हैं अंदर की साइड, जैसे आप प्रेस करेंगे तो इंटरलॉक हो जाएंगे और आपका बंद हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों वीडियो, आपको कैसे लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और अगर वीडियो पसंद आई तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।